Hello and welcome to 52nd episode of Low Back Pain Series. I am Dr. Varun Vasil और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 myths of herniated disc. आप सबको पता है कि herniated disc बहुत common problem है और उसी के साथ लोगों के myths भी बहुत जुड़े हैं. myths मतलब misconception है, कुछ वहम है लोगों को, वही मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करके दूंगा. 5 इस तरह के वहम हैं, ट्रीटमेंट को लेके, बेल्ट को लेके, स्टेयर्स चढ़नी चाहिए कि नहीं चढ़नी चाहिए, नॉर्मल एक्टिविटी कब शुरू हो जाएगी, इसके बाद सर्जरी को लेके. ये 5 मिथ्स जो मेन मैंने अपने देखे हैं अपनी कंसल्टेशन में या लोगों से, अपने पेशेंट से सुने हैं, तो ये 5 मिथ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा. तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए. तो चलते हैं अपने सबसे पहले मिथ की तरफ. जो लोगों को वहम होता है वो है इसका कोई इलाज नहीं, यानी कि मैंने लिखा है नो ट्रीटमेंट. ये लोगों में जितनी बातें सुनते हैं लोग एक दूसरे से, उतनी उनको सजेशन मिलती हैं, एडवाइस मिलती हैं, क्योंकि एडवाइस बिल्कुल फ्री होती है. क्योंकि ये जिसको भी बात करते हैं, जिसके भी घर में बैक पेन या डिस्क का पेशेंट होता है, उसको बहुत सारी एडवाइस दी जाती है. ओहो, ये क्या हो गया आपको, अब तो आपका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, ये तो लाइफ लॉन्ग चलेगी प्रॉब्लम. क्योंकि लोगों में इस तरह के वहम बहुत हैं, वो अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, जो कि उसका भी मोरल लूज कर देते हैं. क्योंकि जो भी आता है, अगर वो खुद ठीक नहीं हुआ कभी पता नहीं किस वजह से, तो वो कहेगा डिस्क आपको हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है. हमेशा तो ये मैंने लिखा है नो ट्रीटमेंट, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होता है. मैं आगे भी बहुत बार कह चुका हूँ, हमारे एक जैसे प्लेयर्स होते हैं या फिल्म स्टार्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उसको भी स्लिप डिस्क हुआ, वो भी 2 बार. अब वो इजीली अपने एक्शन भी कर रहे हैं और अपना डांस भी कर रहे हैं, प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं. तो इस तरह से नहीं होता, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है. ये एक प्रॉब्लम आई है, उसको जब आपने क्योर कर लिया, उसको ठीक कर लिया, उसके बाद आप आगे अपनी लाइफ को नॉर्मली लेके जा सकते हैं. अब लोग अपने एक्सपीरियंस क्या शेयर करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम आई थी, अब वो अब ना अपनी एज के बारे में कोई डिस्कशन करते हैं, क्योंकि डिस्क बल्ज जो होता है, हर्निएटेड डिस्क या बैक पेन, उसके कारण बहुत अलग अलग होते हैं. 36 तरह का भी डिस्क पेन हो सकता है. उसका कारण जो कॉज है, वो उस तरह का आपको क्या कॉज हुआ है या दूसरे को क्या कॉज हुआ है, उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं. उसको बस ये पता है कि मुझे बैक पेन था और मैं ठीक नहीं हुआ. तो बैक पेन तो एक सिम्टम है, आपको भी सिम्टम बैक पेन है, उनके लिए सिर्फ बैक पेन है, पर हमारे लिए एक कॉज है. उस बैक पेन का अगर कॉज देख लें हम, उस कॉज को ट्रीट कर लें, तो इसका ट्रीटमेंट है और बहुत सारे लोग ठीक भी होते हैं. तो इसलिए ये कभी नहीं मानना कि डिस्क हो गया तो मेरे को कभी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता. इसका ट्रीटमेंट है. तो नो ट्रीटमेंट को हम यहाँ पे, अब मिथ आपका ये कैंसिल हो गया, अब आपको इसके बारे में समझ आ गई है. सेकंड आता है बेल्ट. बेल्ट को लेके लोगों के बारे में बहुत कंफ्यूजन होती है, मिसकंसेप्शन होती है कि हम बेल्ट लगाएंगे तो हमारा पता नहीं वीक हो जाएंगे हमारे मसल. बहुत सारे डॉक्टर्स भी इस तरह से कई बार बताते भी हैं कि आप ज़्यादा देर बेल्ट मत लगाइए. वो बेल्ट इसलिए बताते हैं ना लगाइए, क्योंकि लोग उस पर डिपेंडेंट होने लगते हैं. अपने मसल्स अपनी एक्टिविटी बंद करते थे, वो जब भी देखो बेल्ट लगा के रखते हैं. पर नहीं, आपको जब तक प्रॉब्लम आती है, यानी कि इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम, जैसे आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं और मूवमेंट करने के दौरान आपको पेन होता है, या आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो पेन होता है, तब बेल्ट जरूर लगाएं, सिर्फ ट्रैवलिंग के टाइम, और वो भी सिर्फ जब इनस्टेबिलिटी आ रही है, यानी कि जब आपको खांसने छींकने में या बेड से लेट के उठने में प्रॉब्लम आ रहा है, तब समझो कि आपको इनस्टेबिलिटी है. जब तक आपके कोर मसल स्ट्रांग नहीं हो जाते, स्टेबलाइजर्स आपके खुद स्टेबल नहीं करते स्पाइन को, तब तक बेल्ट का यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी मसल इस तरह से वीक नहीं होगा. और अगर आपको लगता है वीक होगा, तो इसका एक और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप बेल्ट लगाएं तो अपने टमी को खुद टक इन कर लिया करें. आप वॉक कर रहे हैं, बेल्ट लगी हुई है, कोई बात नहीं, टमी को टक इन करते रहिए. अपने कोर मसल्स को, अपने ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को उस स्ट्रेंथ में खुद से लेके आइए, एक्टिवली लेके आइए, तब आपको कुछ नहीं होगा. बेल्ट उनके लिए मुश्किल करती है जो लगातार बेल्ट लगा के रखते हैं और 24 घंटे लगा के रखते हैं, वो डिपेंडेंट हो रहे हैं उस पर. तो डिपेंडेंट नहीं होना, अब बेल्ट लगा के मूव करिए. ट्रैवलिंग के टाइम जरूर लगा लीजिए, क्योंकि वो झटकों से आपने अपनी मेन प्रॉब्लम को बचाना है. तो हमेशा मेन प्रॉब्लम को देखिए. तो अब मेरे को लगता है कि बेल्ट वाला भी क्रॉस कर देते हैं. अभी आपको मिथ जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, उसके सारे मिथ्स जो है 5 के 5 वो क्लियर होने चाहिए, और आपको ने ये आगे लोगों के साथ शेयर भी करना है. अभी तो हम सेकंड पॉइंट पे पहुंचे, ये सबके साथ शेयर भी आपने करना है, ताकि उनको भी ये मिथ जो है आपको समझाने आते हैं, एडवाइस देते हैं, उनको भी क्लियर हो जाए कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती. नेक्स्ट आता है स्टेयर्स. बहुत सारे लोगों के अब फ्लोर होते हैं चढ़ने के लिए, घर पे लिफ्ट हर एक के तो होते नहीं, या जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उनको डेली अप डाउन करना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल होता है काम से घर पे जाना, घर से काम पे जाना, तो स्टेयर्स उनको चढ़ना पड़ता है. ये बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं. तो स्टेयर्स आप चढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं.
अनलेस एंड अनटिल आपका एक्यूट डिस्क बल जो आपको था वो खत्म हो चुका है, उसके बाद आप स्टेयर्स चढ़ सकते हैं। स्टिनोसिस में भी इवन के स्टेयर्स चढ़ सकते हैं। तो स्टेयर्स के कहते हैं, जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो वो फ्लेक्शन एक्टिविटी है, हमारी जो स्पाइन है वो फ्लेक्शन में जाती है, इसलिए हम स्टेयर्स चढ़ सकते हैं। जो जिस स्टिनोसिस के पेशेंट है वो चढ़ सकते हैं, जिनको क्रॉनिक हो चुका है डिस्क बल सेटिक और कोई बात नहीं, आप स्टेयर्स चढ़ सकते हो। एक्यूट डिस्क बल जो वाले पेशेंट जो है वो तो इवन के हम तो उनको सेटिंग में भी मना करते हैं, तो स्टेयर्स तो बहुत दूर की बात है। तो जब आपका एक्यूट डिस्क बल्ज वाला स्टेज खत्म हो गया तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, स्टेयर्स की कोई मनाही नहीं होती। तो अपने ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है, क्रॉनिक स्टेज वाले कर सकते हैं स्टेयर्स। फोर्थ आता है नॉर्मल एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटीज़ में लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं नीचे बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता, अपने जिम जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, कार ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये डिस्क वाला पेशेंट कर सकता है एक टाइम के बाद। वो टाइम कब आता है, जब उसको लगे कि मुझे अब एक्यूट सिम्टम्स में ना मेरे को कफिंग स्नीजिंग में पेन आ रहा है, मैं वॉकिंग कर पा रहा हूँ 20-30 मिनट बिना पेन के, सिटिंग कर पा रहा हूँ 30 मिनट बिना पेन के, ना मेरे को लेग पेन हो रहा है ना बैक पेन हो रहा है, तो वो सारे नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। नीचे बैठने के लिए जो ज़मीन पे, कई लोग खाना भी ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, हमारा इंडियन कल्चर भी है थोड़ा सा, तो वो नीचे बैठने वाला जो काम है वो इसलिए थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है क्योंकि उसमें हाइपर फ्लेक्शन होती है। जब हम नीचे बैठ जाते हैं, एक तो हमारा स्पाइन जो है वो फ्लेक्शन में चला जाता है, हिप के ऊपर वेट ज़्यादा आ जाता है, हिप लेवल नीचे चला जाता है, नी लेवल ऊपर हो जाता है, तो वो बॉडी जो होता है वो हाइपर फ्लेक्शन में हो जाती है, जिसमें डिस्क बाहर निकलने का खतरा बढ़ जाता है। तो जिनको एक बार हो चुका है वो थोड़ा टाइम कम से कम 5-6 महीने तक नीचे ना बैठें, उसके बाद वो बैठ सकते हैं। जब वो मैंने आपको बताया नॉर्मल अपनी रूटीन में आ गए हैं तो फिर आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब एक बार आपको प्रॉब्लम आ गई तो हमेशा ही रहेगी, ये बहुत लोगों को रहता है कि मुझे अब ऐसी चीज़ बताइए कि अब एक बार हो गया दोबारा ना हो, ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता कि दोबारा ना हो। अब आपको कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार कोल्ड हो गया और आप डॉक्टर को जाके कहें मुझे ऐसी मेडिसिन दे दो कि कभी कोल्ड ना हो, तो ये चीज़ें जो है आती जाती रहती है। इसको इतना ज़्यादा बढ़ा के नहीं सोचना कि मुझे डिस्क बल्ज होगा, डिस्क बल्ज भी एक बॉडी का पार्ट है, वो जब निकला है वहाँ पे रिपेयर भी होगी, सब कुछ होगा। अगर रिपेयर नहीं हुई तो जो नर्व को टच कर रहा है उस नर्व को आप पीछे कर लीजिए, या उस नर्व के लिए जगह बना लीजिए कैनाल से, वो चाहे हमें एक्सरसाइज के साथ बनानी पड़े चाहे सर्जरी के साथ बनानी पड़े, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सारी नॉर्मल की नॉर्मल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, भाग भी सकते हैं, अपनी नॉर्मल जिमिंग भी कर सकते हैं। हैवी वेट उठाने के लिए मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, जिसमें हमें ये पिछला वीडियो जो आपको बनाया था उसको जाके, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर देखिए, वो सबको देखना चाहिए, वो प्रिकॉशंस कौन कौन से हमें लेने होते हैं। तो प्रिकॉशन लीजिए और नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आप दोबारा आ सकते हैं। तो चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। ये सर्जरी का पॉइंट फिर से आ रहा है, क्योंकि सर्जरी लोग कहते हैं कि मेरे को बस जो मर्जी हो जाए मैंने सर्जरी नहीं करवानी। ये आपका जो दिमाग में एक है कि मैंने सर्जरी नहीं करवानी, इससे थोड़ा सा हमें ब्रॉड सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रॉड सोचेंगे तभी हम देखेंगे हमारा जो इलाज है। कई बार क्या होता है, हमारे ऐसे सिम्टम आ जाते हैं जिसमें हमें, जैसे कैनाल बहुत ज़्यादा नैरो हो गया तो उसमें हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर पहले ही पेशेंट ने इतना डर बिठाया होगा या सोचा होगा कि मैंने सर्जरी के अलावा सब कुछ करवाऊंगा पर सर्जरी नहीं करवाऊंगा, तो वो आपके अपने अपने ट्रीटमेंट के ऑप्शन को कम कर दिया। तो ट्रीटमेंट के ऑप्शन खुले रखिए। सर्जरी माइक्रो डिस्केक्टमी होती है, आप बस ये देखिए कि कैनाल के अंदर जो चीज़ आई है या कैनाल को जो टाइट कर रही है, नर्व को प्रेस कर रही है, जिसकी वजह से मेरे को टांग में पेन आ रहा है या मेरी जो मसल पावर है वो कम हो रही है, उसको मैं किस तरह से ठीक करूँ। आपका फोकस ये होना चाहिए कि कैनाल को ओपन करने के मेरे पास कौन कौन से तरीके हैं। अगर मेरे मेडिसिन और एक्सरसाइज या कोई इंजेक्शन नहीं हेल्प कर रहा तो लास्ट में सर्जरी बचती है, क्योंकि सर्जरी करवा लेंगे टाइम पे तो आपका जो फूड ड्रॉप है वो बच जाएगा, नहीं तो आप सारी उम्र फूड ड्रॉप के साथ चलोगे उसका क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट ऑप्शन को ओपन रखिए। दूसरा, सर्जरी के बाद लोगों में आता है कि मेरी कोई नर्व ना कट जाए। सर्जरी के बाद पता नहीं लोग ठीक होते भी हैं कि नहीं होते हैं। ये जो 5% मेरे तो सोचा है 5% जो लोग हैं वो जो नहीं ठीक होते हैं वो ज़्यादा शोर डाल डाल के लोगों के मन में बिठा देते हैं कि ये सर्जरी गलत है। आप देखिए जो 95% लोग हैं वो भी तो सर्जरी से ठीक होते ही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सर्जरी से ठीक होते हैं, तो उनकी तरफ देखिए, उनसे पूछिए कि आप किस तरह से ठीक हुए थे। क्योंकि सर्जरी के बाद कुछ एक्टिविटीज़, कुछ टाइम तक रेस्ट करने के बाद हमें अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आने में टाइम लगता है और एक्सरसाइज प्रॉपर करनी होती है। तो अपने डॉक्टर के साथ पूरी डिस्कशन कीजिए, उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, खुद अपना कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, तो सर्जरी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, अनलेस एंड अनटिल आप सही टाइम पर जा रहे हो और सही सिम्टम्स के साथ जा रहे हो जिसमें हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है।
तो सर्जरी की अगर रिक्वायरमेंट है तो करो, उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम जिस टाइम जिस प्रेजेंट कंडीशन में आप गए हो उससे बैटरी कंडीशन में आप बाहर आओगे, ये आपको सर्जरी आपको जो डॉक्टर है वो आपको बता देगा। तो इसलिए सर्जरी से डरना नहीं है। इसका मैंने एक वीडियो एक और बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ऐसे 5 मिथ्स थे, मिसकंसेप्शन थी, जो मैं रोज़ सुनने को मुझे मिलती हैं, और मुझे था कि मैं इस पर जल्दी से जल्दी एक वीडियो बनाऊँ ताकि आपके कन्फ्यूजन थोड़े से दूर हों। अब ये वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है इसको वीडियो को, आपको वीडियो देके ये 5 मिनट्स के लिए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स मंगवाने के लिए या आपसे फ़ोन पे कंसल्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमारी वेबसाइट है sukoonphysicaltherapy.com, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। वहाँ पे जाके आप सब कुछ आपको पता लग जाएगा कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है। वैसे अपॉइंटमेंट के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके आप उसको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, सिर्फ मैसेज कीजिए, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉल मत कीजिए, क्योंकि कॉल्स बहुत सारे आते हैं तो जिन पेशेंट को अपॉइंटमेंट चाहिए होता है उनको नहीं मिल पाता। तो इसलिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए नीचे लिखे नंबर पे जाके, थोड़ी छोटी सी फीस होती है उसकी, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब हमने वीडियो कंसल्टेशन के भी खोल दिए हैं दरवाजे, तो वीडियो कंसल्टेशन भी अब हमारा आप कर सकते हैं। और वेबसाइट पे जाके ज़रूर देखिए, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वहाँ पे जाइए, वो आपको आपको पता लग जाएगा किस तरह से बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।